स्वागत है। चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा हुआ है राजस्थान के अंदर। 3500 चुनावों का जो चुनाव होने थे उनमें पहला चरण का चुनाव 28 सितंबर को हो चुका है। दूसरे चरण की बात कर रहे हैं 3 अक्टूबर को जो चुनाव है, तो कुछ पंचायतें हैं उनमें से एक पंचायत में आज अभी हम पहुंचे हैं। झारोड़ा की पंचायत है जिसके अंदर 3 गांव आते हैं। पहला का गांव ये आता है झारोड़ा, दूसरा आता है जैतपुर और तीसरा आता है इस्लामापुर इस्माइलपुर। तीसरा गाँव आता है इस्माइलपुर। तो आज इस ग्राम पंचायत झारोड़ा के एक प्रत्याशी जो तीनों गांव की पंचायत को लेकर के हैं, और कविता नाम है और धर्मपत्नी श्री उमेद सिंह की, तो आज हम उनके साथ में मिलने वाले, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके साथ में, उनके जो भी है गांव के लोग हैं ये साथ में जुड़े हुए हैं। तो कविता जी आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। कविता मैम, जैसे कि आपका चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या दिमाग में आया कि मेरे को पंचायती चुनाव लड़ने हैं, ऐसे क्या दिमाग में आ गया? मेरी इच्छा है कि मेरे दो गांव हैं तीनों, वो थोड़े से पीछे हैं विकास में। अच्छा। और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं इनकी आगे बढ़कर, सभी का सहयोग है, तीनों गांवों का मेरे साथ है, सही इनके सहयोग से मैं कुछ विकास करूं और मेरे गांव को मैं आगे से आगे लेके जाऊं विकास में। जो नालियां हैं, गंदी हैं, रोड हैं, गली हैं, पानी की समस्या है, उनको मैं पूरा करूं। क्या ये जो आप जो बताई है नालियों का, रोडों का या और भी समस्या, क्या ये पहले पंचायत जो थी उन्होंने नहीं किया? क्या उन्होंने किया है, लेकिन कुछ प्रयास उनका कम रहा है। जो बाकी बचा हुआ है वो करने की मेरी इच्छा है। अच्छा अच्छा। तो इनमें जो मेन मुद्दा, आपको जो मेन मोटे मोटे मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार दर्शकों को जरूर बताइए। मेन मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा है कि हमारे गांव में साफ सफाई बहुत कम है। इसको लेकर मैं बीच में काटना चाहूंगा कि आपके गांव में या पूरे तीनों गांव में थोड़ी साफ सफाई कम है, उसकी वजह से पानी नाली और एक जैसे जो गरीब लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा। जैसे पीवेल की प्रॉब्लम है, जो योजना अपनी सरकार देती है वो उनको मिल नहीं पाती। मेरी यही इच्छा है कि मैं आगे होकर के, माँ बाप ने पढ़ाया है, कुछ सिखाया है, तो मैं आगे होकर समाज की सेवा करूँ, गाँव का विकास करूँ, इसीलिए मैं सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आगे आई हूँ। ये तो आपका एक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारे देश के जो भविष्य में यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं या युवा साथी हैं, उनके लिए क्या करने वाले बाबू? युवा साथी हैं उनके लिए ग्राउंड की व्यवस्था की जाएगी, उनकी तैयारी के लिए, जैसे ये परीक्षा देते हैं एग्जाम की तैयारी हो, उनकी व्यवस्था हो, हमारे गाँव में दूर नहीं जाना पड़े उनको। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं कि मिल के तीनों गांव एक मीटिंग बनाएंगे कि इनको तैयारी करने के लिए मौका मिले। हाँ। और गांव में मिले जी। उनको क्या आइडिया है कि उनके लिए, गरीब लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? गरीब लोगों के लिए कुछ जो तैयारी करेंगे ना, उसमें हम मिल बांट करके गांव के, तीनों गांवों के मैन मैन मीटिंग करके लोगों से उनके साथ सरकारी योजना उनका लाभ दिलवाएंगे। सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट अप्लाई। देखो मेरा एक अहम सवाल है और ये कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाला सवाल है, तीनों गांवों के लोग आपको क्यों चुने? क्या उनको लगता है कि हमें कविता जी के साथ में मिलकर के काम करना, क्या है ऐसा? एक तो उनको ये कुछ सोच समझ कर करेंगे कि ये पढ़ी लिखी है, सक्षम है ये काम करने के लिए, खुद दूसरे पर डिपेंड नहीं है, कुछ जानती है इस बारे में, मुझे जानकारी है कि मैं कुछ आगे होकर के कुछ काम करूँ। कई लोग ऐसे भी हैं कि वो महिला को चुन लेते हैं लेकिन वो काम करने के योग्य नहीं होते हैं, तो इसलिए मेरे को इन्होंने आगे किया है, मेरा साथ दे रहे हैं। पढ़े लिखे की बात करते हैं तो आपके सामने और भी प्रत्याशी हैं, 3-4 लोग प्रत्याशी, वो भी एमए बीएड के करीब शायद मुझे लगता है होंगे जो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे वाली बात तो मुझे लगता है कि सम्मान रूप से रह गई है। फिर भी जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा तो लगा ही होगा कि भैया आपने, तो या तो पीछे आपने कुछ सामाजिक कार्य इनके गाँव वालों के साथ में मिल करके किए होंगे या कुछ ऐसा आप गाँव वालों को लगा होगा, तब किस तरह का बताइए? जैसे नहीं मौका देंगे ना आपकी बार, और पीछे भी हमने काम किए हैं समाज के साथ रह करके, और मैं तो मेरे आसपास की जो महिलाएं हैं उनके लिए जैसे सिलाई सिखाना, योग करवाना, आसन करवाना, और उनको जैसे मदद करवाती हूँ हर काम में, साथ रहती हूँ हमेशा, समाज की सेवा में मैं आगे बढ़कर काम करती हूँ। बात आ रही है कोई भी चुनाव हो, MP के हो, MLA के हो, पार्षद के हो, ब्लॉक समिति के हो, पंचायत के, एक समय आता है कि लोग आते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं आते हैं, बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, उसके बाद में कुएं का मेंढक बन जाते हैं, क्या ऐसा तो नहीं करने वाले हो आप गांव के साथ में? नहीं, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, इसमें मेरे को सफलता मिले या न मिले मैं समाज के, गांव के विकास के काम ही करूँगी। जैसे इसमें मेरा मौका मिल जाएगा आगे होके तो ज़्यादा करूँगी। हाँ। बाकी मैं फिर भी काम करते रहूँगी समाज की सेवा के लिए। ये बात होती है जज्बा और आपके उत्साह की,
मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है, मौका ना मिले तो फिर भी आप समाज सेवा में हैं, ये आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि गांव और समाज के लिए प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसको सुविधा पहुंचनी बहुत ज़रूरी है उनके लिए आपकी बहुत ही एक अहम बात है। तो मैम जैसे ही चुनाव आपको आप अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं या तीनों गाँव की जो पंचायतें हैं उनके सहयोग से आप आए हैं? अकेला इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता, तीनों का सहयोग भी है और मेरी इच्छा भी है काम करने के लिए विकास का। अच्छा अच्छा, तो ये सहयोग आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद में बना है जो पंचायत का है ये, या फिर पहले से आप लोगों ने सलाम मशवरा कर? मेरे साथ तीनों गांवों का सहयोग भी है और मेरी खुद की इच्छा भी है जी। कि मैं आगे होकर कुछ विकास का कार्य करूं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या लग रहा है कि आप जैसे कि आप धरातल पे घूम रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, हाँ बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। साथियों को कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं आप दर्शकों आपको भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो चुनाव है इनको पूर्णतया से शांतिपूर्ण आप अपना चुनाव मतदान करें। जो भी आपका प्रत्याशी है, मैं ये किसी एक पर्टिकुलर को ना लेकर के बात करूँ, जो भी प्रत्याशी है, लेकिन शांतिपूर्ण आप अपना चुनाव करेंगे क्योंकि आप मत डाल रहे हैं।